हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। देवभूमि हिमाचल अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अहम भागीदार है। हिमाचल की विकास यात्रा को डबल इंजन की सरकार नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हिमाचल प्रदेश में फार्मा क्षेत्र में 600 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनमें 15 USFDA और 242 WHO सर्टिफाइड इकाइयां हैं। राज्य से 10,000 करोड़ रुपए सालाना का फार्मा निर्यात होता है, जो प्रदेश के कुल निर्यात का 50% है। भारत के दवा निर्माण में हिमाचल की 40% हिस्सेदारी है। एक प्रकार से पिछले कुछ सालों में भारत अगर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हुआ है, तो हिमाचल देश की फार्मेसी के रूप में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दवाओं के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का और अधिक विस्तार हो रहा है। देश को बल्क ड्रग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश भारत का अकेला राज्य बना जिसे बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों की स्वीकृति मिली। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और अब उन्हीं के द्वारा ऊना जिला के हरौली तहसील में 1405 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है। यह बल्क ड्रग पार्क हिमाचल के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। 1923 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ड्रग पार्क हजारों करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करेगा। इससे 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे, जबकि बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। साथ ही अनेक छोटे और लघु उद्यम और कारोबार आसपास विकसित होंगे। यह ड्रग पार्क ऊना सहित एक बड़े क्षेत्र के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस पार्क से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API डिमांड पूरी होगी, बल्कि समूचे उत्तर भारत के फार्मा सेक्टर को लाभ होगा। 3 वर्ष से भी कम समय के अंदर इस पार्क को विकसित करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हिमाचल के आत्मनिर्भर फार्मा सेक्टर के लिए यह पार्क मील का पत्थर साबित होगा।